ओके, सब्जेक्टिव शीट नंबर कौन सी है? 11। सब्जेक्टिव शीट नंबर 11, सर्कुलर मोशन, कार ऑफ मास एम, ये क्वेश्चन है ना। कार ऑफ मास एम मूविंग ओवर अ कन्वेक्स ब्रिज ऑफ रेडियस आर, फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग ऑन द कार व्हेन इट इज एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ब्रिज। तो सबसे पहली चीज़, ये आपके पास एक ब्रिज है और ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये इसका वेट एम जी है और नॉर्मल रिएक्शन एन है। एंड इस केस में आपको नॉर्मल रिएक्शन निकालना है जब ये इसे क्रॉस कर रहा है। तो पहली बात, जब ये क्रॉस कर रहा है किसी वेलोसिटी वी से क्रॉस कर रहा होगा, तो नेट फोर्स कहाँ एक्ट करेगी? टुवर्ड्स सेंटर। और कितनी एक्ट करेगी? एम जी माइनस एन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय इसका रेडियस आर। तो एन की वैल्यू क्या नोट करेंगे? एम जी माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर। तो ये तो पॉइंट क्लियर हो गया कि जो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू है वो इसके इक्वल होगी, और इस केस में नॉर्मल रिएक्शन विल बी लेस देन वेट एम जी। तो नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो वेट एम जी से क्या होगा? कम होगा। ठीक है यहाँ तक। और उसी तरीके से नेक्स्ट केस में जो ब्रिज है वो इस शेप में है, तो नॉर्मल रिएक्शन एन है, ये इसका सेंटर है, रेडियस आर है, वेट एम जी है, और लेट अस सपोज वेलोसिटी वी है, तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर होगी। तो एन माइनस एम जी इज इक्वल टू वॉट? एम वी स्क्वायर बाय आर। एन इज इक्वल टू एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर। तो इस केस में जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो वेट से क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो अब डिपेंड करेगा आप किस ब्रिज पे जा रहे हो, अकॉर्डिंग टू दैट ब्रिज नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा भी हो सकता है, नॉर्मल रिएक्शन कम भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री देखो, और खुद आंसर आ गया थर्ड का। तो क्वेश्चन नंबर थ्री में देखो, एक स्ट्रिंग ऊपर है, एक स्ट्रिंग नीचे है, और पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है। तो अंडरस्टूड है ऐसा क्वेश्चन कैसे करते हैं? टेंशन के कंपोनेंट्स लेके करते हैं, टेंशन के दो कंपोनेंट्स लेके, इसमें T1 T2 अलग अलग टेंशन लेनी है और इसमें ओमेगा की वैल्यू निकालनी है। एक बार चेक करो, इक्वेशंस बना लो, बस सॉल्व तो लंबा काम है, इक्वेशंस बनाओ। तो इस क्वेश्चन में देयर इज अ रॉड एंड दिस इज मास विच इज रोटेटिंग इन अ सर्कल, और इसमें एक स्ट्रिंग यहां पर है और एक स्ट्रिंग यहां पर है, रिंग के साथ कनेक्टेड है कुछ ऐसे, सच दैट दिस एंगल इज 60 डिग्री एंड दिस एंगल इज अगेन 60 डिग्री, ऊपर और 60 शायद मिसिंग है, इसको प्लीज बना लेना 60। और ये जो मास एम है इट इज मूविंग इन अ रेडियस ऑफ आर, और लेंथ इसकी कितनी है? एल। ठीक, तो यहां पर टेंशन क्या होगी? T1, वैसे तो पेयर में होती है T1 T1, और यहां पर क्या होगी? T2। तो अगर हम कंपोनेंट्स ड्रॉ करें, तो अगर ये 60 है तो ये कितना है? 60। तो टेंशन का पहला कंपोनेंट होगा T1 इंटू कॉस ऑफ कितना? 60। और टेंशन का एक कंपोनेंट इस तरफ होगा कितना? T1 इंटू साइन ऑफ कितना? 60। ऐसी टेंशन अगर ये 60 है तो ये भी 60 है, टेंशन का एक कंपोनेंट कितना होगा? T2 इंटू कॉस ऑफ कितना? 60। और इस तरफ कितना होगा? T2 इंटू साइन ऑफ कितना? 60। तो टुवर्ड सेंटर ये टेंशन एक्ट कर रही है, तो T1 इंटू साइन ऑफ 60 प्लस T2 इंटू साइन ऑफ 60 इज इक्वल टू एम इंटू आर इंटू ओमेगा का स्क्वायर। आर रेडियस में ये पार्टिकल मूव कर रहे हैं, और इसमें नीचे वेट क्या एक्ट करेगा बॉडी का? एम जी। तो इक्वेशन क्या बनेगी? T1 इंटू कॉस ऑफ 60 इज इक्वल टू वेट एम जी प्लस T2 इंटू कॉस ऑफ कितना? 60। और इसके अंदर एल लेंथ गिवन है, आर तो गिवन नहीं है, तो साइन 60 की वैल्यू कैन बी टेकन एज आर बाय एल, या आर इज इक्वल टू एल इंटू साइन ऑफ कितना? 60। इस आर को उठा के आप यहाँ पुट कर सकते हो, और यहाँ से इसे सॉल्व करोगे तो आपको इस क्वेश्चन में T1 इज टू T2 की रेशियो गिवन है 4:1। इस क्वेश्चन में T1
अपॉन टी टू की रेशियो 4:1 है, तो चाहो तो टी वन इज इक्वल टू 4 × T2 पुट कर दो ऊपर इक्वेशन में, और टी टू कॉमन निकाल के डिवाइड कर लो, टी टू से टी टू सब कैंसिल हो जाएगा सॉल्व करके, तो यहाँ से सॉल्व करके ओमेगा की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 14 radians per second। स्टेप समझ में आया क्या करना है, यहाँ से टी वन की वैल्यू को उठा के यहाँ और यहाँ पुट कर लोगे, टी टू कॉमन आएगा, यहाँ से टी टू कॉमन आएगा, फिर इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आपस में क्या कर लेना है, डिवाइड, तो टी का टी आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और इस तरीके से इसका आंसर आएगा। तो सॉल्व नहीं कर रहा, मेथड क्लियर है, कोई डाउट इक्वेशन बनाने में? नहीं, वो इक्विलिब्रियम ही रहेगा उसमें, एक्चुअली वो क्या है कि रोटेट कर रहा है लेकिन उसकी टेंशन की वैल्यूज बैलेंस करेंगी नहीं, तो फिर मास ऊपर नीचे हो जाता है, वर्टिकल इक्विलिब्रियम में तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि वो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट का आंसर, नेक्स्ट का जो आंसर आ रहा है वो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 4th का आंसर, g × sin θ − μk × g × cos θ − μk × v² / r, ये आंसर आ रहा है। देखो इसमें आप क्या कर सकते हो, देखो इसके अंदर आप कुछ ऐसे कर सकते हो कि लेट अस सपोज ये बॉडी कुछ इस तरीके से स्लाइड करते हुए नीचे आ रही है, तो एक बात तो पक्की है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टेंजेंशियली पीछे की तरफ होगी, इसका वेट क्या होगा, एम जी इस तरफ होगा, एंड सच दैट ये जो एंगल है ये कितना है, दिस इज थीटा, तो इस केस में ये जो एंगल बनेगा ये भी क्या बन जाएगा, थीटा, एम जी के दो कॉम्पोनेंट्स हो जाएंगे, एम जी कॉस थीटा एंड एम जी साइन थीटा, तो एम जी साइन थीटा वो इंक्लाइन प्लेन वाला केस है, एम जी साइन थीटा इसको नीचे लाने की कोशिश करेगा और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसे
अपोज करेगा, और इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर है, और नॉर्मल रिएक्शन टुवर्ड सेंटर एक्ट करेगा कितना, एन एक्ट करेगा, और किसी भी इंस्टेंट पर इसकी जो नीचे आने की वेलोसिटी है वो लेट अस सपोज कितनी है, वी है, ठीक। देखो इस इंस्टेंट की वेलोसिटी की बात को समझो, वेलोसिटी विल चेंज इस केस में, वैसे चेंज नहीं होती यूनिफॉर्म के केस में, इसमें इट विल चेंज, क्यों, बिकॉज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ना, तो एम जी साइन थीटा माइनस एफ इज एम ए, तो वो हाँ, तो इस केस में जो एक्सेलेरेशन होगी वो ऑटोमेटिकली टेंजेंशियल ही होगी, तो इस केस में यहाँ पर जो नीचे आने की एक्सेलेरेशन होगी वो क्या होगी, वो टेंजेंशियल, और वही आपको निकालनी है, तो इस केस में इक्वेशन क्या बनेगी, एम जी साइन थीटा माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, ये तो क्लियर हो गया, या फिर एम जी इंटू साइन थीटा माइनस म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, ये भी क्लियर है, एंड इट इज मूविंग इन अ सर्कल, तो सेंटर की तरफ फोर्स क्या होगी, एन माइनस एम जी कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू एम इंटू वी स्क्वायर बाई कितना, आर, तो इस केस में एन माइनस एम जी कॉस थीटा एम वी स्क्वायर बाई आर, तो यहां से नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल आएगा, एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर, इस नॉर्मल रिएक्शन को यहां पुट करते हैं तो एम जी इंटू साइन थीटा माइनस म्यू टाइम्स एन, एन की जगह एम जी इंटू कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर मस्ट बी इक्वल टू मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, यहां से टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन निकाल लेना, वही आंसर आएगा जो प्रूफ किया, बस इक्वेशन ही बनानी है और तो कुछ भी नहीं करना, और मेथड समझ में आ रहा है कैसे करना है, तो यू नीड टू हैव नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन की हेल्प से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, इट इज मूविंग इन अ सर्कल ना, अगर इंक्लाइन प्लेन स्ट्रेट होता तो एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, मूविंग इन अ सर्कल तो सेंट्रीपेटल तो होगी ना, तभी सर्कल मूव कर रहा है, तो लेना पड़ेगा, क्योंकि प्लेन सर्फेस का रेडियस इनफाइनाइट होता है, जीरो नहीं होता, अगर ध्यान से सुन लो, अगर ये प्लेन होता सर्कल ना होता तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट माना जाता है, तो अगर ये इनफाइनाइट होगा डिनोमिनेटर में तो ये टर्म क्या जाएगी, जीरो, और एन किसके इक्वल आ जाएगा, एम जी कॉस थीटा, जैसे इंक्लाइन प्लेन्स में होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन ने किया हुआ है कि वो स्ट्रेच हो जाता है, आपको एक्सपेंशन ने कहा, एक स्प्रिंग है बट डायग्राम ही इतना वो बना हुआ है, कुछ नहीं है, याद है हमने स्प्रिंग का पहला क्वेश्चन शायद यही किया था, एक मास है और इसकी जो नेचुरल लेंथ है वो एल नॉट है, और ये इसने घूमना शुरू कर दिया और कितना एक्सपेंड हो गया बाय एक्स एक्सपेंड हो गया, तो ये कितना हो गया एल नॉट, तो यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है, इफ द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज एल नॉट स्टिफनेस फाइंड द इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग, स्प्रिंग की इलोंगेशन हमने किया था ऐसे कि कौन इसको इनसाइड खींच रहा है के एक्स, और ये इक्विलिब्रियम में मूव करता है ना, ये अंदर आ रहा है ना ये बाहर जा रहा है, तो हमने किया था के इंटू एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, या तो एम वी स्क्वायर बाई आर या एम आर ओमेगा का स्क्वायर, इस क्वेश्चन में आपको वी गिवन है वेलोसिटी की वैल्यू, वी गिवन है इसमें कि वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो एम इंटू वी स्क्वायर बाई आर की जगह एल नॉट प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स के अंदर जो है क्वाड्रेटिक बनेगी और एक्स का आंसर आ जाएगा, बहुत बड़ा आंसर है बट समझ में आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन में वही सेम कॉन्सेप्ट लगाना है, फोर्स इज एम आर ओमेगा स्क्वायर, सेंट्रीफ्यूगल एक्ट करेगी बाहर की तरफ, हमने डिस्कस किया था, सेम है उससे नेक्स्ट क्वेश्चन में किया हुआ है, हेमीस्फेयर वाला ये नहीं करना, हेमीस्फेयर रिपीट क्वेश्चन है, उससे नेक्स्ट सेवन्थ करना है, और सेवन्थ का अगर आंसर प्रूव करना है तो सेवन्थ का आंसर ये आएगा, क्वेश्चन नंबर सेवन्थ का, स्मॉल टी इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर एल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल्फा फोर आर स्क्वायर वन बाई फोर, ये ए पार्ट आएगा टाइम, इसे निकालो,
देखो इसमें क्या करना है हमने, इसमें हमने ब्लॉक ऑफ मास m इज केप्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल टर्न टेबल एट अ डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम सेंटर ऑफ द टेबल. ठीक, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टर्न टेबल एंड ब्लॉक इज म्यू. नाउ द टर्न टेबल स्टार्ट्स रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा. इसमें प्रॉब्लम है, स्पीड टर्न टेबल की बढ़ती जा रही है, अल्फा है ना, कॉन्स्टेंट नहीं है इसमें. इसका मतलब इसके अंदर सेंट्रिपिटल एक्सलरेशन तो होगी ही होगी टेबल के पास, लेकिन ब्लॉक के पास क्या होगी, सेंट्रीफ्यूगल होगी. पॉइंट समझ में आया? देखो डायग्राम बनाते हैं. फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक टेबल है, इस टेबल को आप रोटेट कर रहे हो विद अल्फा. ठीक, विद अल्फा. इस क्वेश्चन के अंदर ये एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, ब्लॉक का मास कितना है, एम. एम फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन है. अब क्योंकि वो कह रहे हैं कि इस केस में फाइंड द टाइम आफ्टर विच स्लिपिंग अकर्स बिटवीन द ब्लॉक एंड द टर्न टेबल. इसका मतलब है कि इस केस में सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर एट टेबल के पास, टेबल के ऊपर जो भी सामान है उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल है, कहां पर, बाहर की तरफ, कितनी, m इंटू ए ऑफ सी. ठीक, m इंटू ए ऑफ सी. और क्योंकि ये टेबल इस तरफ जा रहा है, बोर्ड के अंदर जा रहा है इस टाइम, और ऑब्वियसली इसके पास कोई टेबल के पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी, तभी तो टेबल की स्पीड बढ़ती जा रही है, तो इसके ऊपर एक और सूडो फोर्स एक्ट करेगी पीछे की तरफ, m इंटू ए ऑफ टी. पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, टेबल के पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है तो ब्लॉक के पास सूडो फोर्स की फॉर्म में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, टेबल के पास दो दो एक्सेलरेशन है ए सी ए टी, तो ब्लॉक के पास भी सूडो फोर्स की फॉर्म में दो दो एक्सेलरेशन है, ए कितनी एम ऑफ ए सी, ए कितनी एम ऑफ ए टी. कोई डाउट इसमें? तो नेट जो फोर्स है, नेट फोर्स वो कहां एक्ट करेगी, इस तरफ, कितनी, एम इंटू ए सी का स्क्वायर प्लस एम इंटू ए टी का स्क्वायर. पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो नेट जो एक्सेलरेशन, नेट फोर्स है वो यहां एक्ट करेगी. अच्छा, एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब होता है, अल्फा का मतलब कि टेबल ओमेगा को चेंज करेगा, स्लो फिर फास्ट फिर फास्ट फिर फास्ट, यानी कि वी की वैल्यू टेबल की 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर, इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है 80. अगर अल्फा है तो 80 पक्का है, अगर अल्फा नहीं है, ओमेगा कांस्टेंट है, तो 80 नहीं हो सकता. अल्फा तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है ना, यानी कि ओमेगा कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, 2, 4, 6, 8 ऐसे, फिर तो पक्का 80 है. अगर अल्फा है इसका मतलब ओमेगा टाइम के साथ बढ़ता जा रहा है, ओमेगा बढ़ रहा है तो वी आर ओमेगा, तो वी भी तो बढ़ता जा रहा है, वी बढ़ रहा है यानी कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, स्पीड बढ़ रही है, इसका मतलब कांस्टेंट स्पीड से नहीं मूव कर रहा है, इसका मतलब टेंजेंशियल है. अब असली बात यह है कि यह ब्लॉक कहां मूव करने की कोशिश करेगा, इस तरफ, कौन बचाएगा, फ्रिक्शन. तो फ्रिक्शन जो होगी वो कुछ ऐसे एक्ट करेगी, एफ इस तरफ, ऑब्वियसली नेट फोर्स के ऑपोजिट ही एक्ट करेगी फ्रिक्शन. ठीक है यहां तक? तो फ्रिक्शन की फोर्स यहां एक्ट करेगी, नेट फोर्स के अल्टीमेटली ब्लॉक यहां गिरने की कोशिश करेगा, तो फ्रिक्शन तो ऑपोजिट ही करेगी ना. अब मेरे को एक चीज पता है कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होती है ना 80, वो उसकी वैल्यू क्या होती है, आर अल्फा. ये शायद हमने किया था सर्कुलर मोशन में, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, a इज इक्वल टू आर अल्फा. और ये जो a होता है ये सेंट्रीपिटल नहीं होता, ये हमेशा टेंजेंशियल होता है, क्योंकि जिस क्वेश्चन में अल्फा होगा उस क्वेश्चन में 80 भी होगा, जिसमें अल्फा ही नहीं होगा तो 80 कहां से होगा. तो अंडरस्टूड है ये एक्सेलरेशन कौन सा है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है. और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालने का तरीका क्या होता है, डीवी बाय डीटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड या वेलोसिटी इज इक्वल टू आर अल्फा. डीवी इज इक्वल टू आर अल्फा इंटू कितना, डीटी
इसको इंटीग्रेट अगर किया जाए तो v इज इक्वल टू आर एल्फा इंटू क्या हो जाएगा टी। तो वेलोसिटी की वैल्यू टी टाइम के बाद कुछ ऐसे चेंज होगी जैसे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम का फंक्शन आ गया ना, टाइम के साथ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, ठीक। अब इसमें मुझे क्या निकालना है, मेरे को इस क्वेश्चन में सबसे पहले इसमें यह निकालना है कि ब्लॉक विल स्टार्ट स्लिपिंग, तो द ब्लॉक विल स्टार्ट स्लिपिंग व्हेन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ मस्ट बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एम इंटू ए सी का स्क्वायर प्लस एम इंटू ए टी का स्क्वायर, ऐसे बोल लो। चलो ये लो, जब ये वाली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बड़ी होनी स्टार्ट हो जाएगी या इक्वल टू की लिमिटिंग एस हो जाएगा तो ये स्लिप करना स्टार्ट कर देगा। कम से कम वैल्यू क्यों होनी चाहिए, इक्वल टू, यानी कि म्यू टाइम्स एम इंटू जी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर ए सी स्क्वायर एम स्क्वायर ए टी स्क्वायर। एम स्क्वायर बाहर आ गया, म्यू इंटू एम इंटू जी एम बाहर आ गया, तो आपके पास क्या बन गया, ए सी का स्क्वायर ए टी का स्क्वायर, एम से एम कैंसल, म्यू इंटू जी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए सी का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर। अब ए सी की वैल्यू क्या होती है, ए सी की वैल्यू होती है वी स्क्वायर बाय आर का होल स्क्वायर और ए टी का स्क्वायर। मैंने अपने इस क्वेश्चन में वेलोसिटी वी आपको निकाल के दी हुई है कितनी, आर इंटू एल्फा इंटू टी का होल स्क्वायर बाय आर का होल स्क्वायर प्लस ए टी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है कितनी, आर एल्फा, तो यहां पर एल आर एल्फा का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेना टाइम के लिए, वो जो मैंने आंसर देखा था वही आएगा, नहीं हो सकता, सर्कुलर मोशन इन्वॉल्व है, सर्कुलर के कॉन्सेप्ट ही लगेंगे, ठीक है यहां तक। और अगर डायरेक्शन निकालनी है थीटा की तो थीटा निकाल लेना, लेट अस सपोज ये थीटा, ये कितना है एटी, ये कितना है एसी, ये कितना है एटी, तो यहां से टैन ऑफ थीटा बी पार्ट में विल बी इक्वल टू एटी डिवाइडेड बाय एसी। एटी आपको पता है कितना, आर एल्फा, और एसी की वैल्यू कितनी है, वी स्क्वायर बाय आर, और इस वी को उठा के यहां से यहां पुट कर देना है, थीटा आ जाएगा टैन इनवर्स। फ्रिक्शन तो बाद में पता लगेगी, हमें पता है कि सूडो फोर्स एक इसको बाहर फेंकने की कोशिश कर रही है और एक क्योंकि टेबल अपनी स्पीड बढ़ा रहा है तो पीछे की तरफ फोर्स है, तो नेट फोर्स इधर लग रही है ब्लॉक के ऊपर, तो ब्लॉक इधर खींचने की कोशिश करेगा पर फ्रिक्शन उसे बचा लेगी, फ्रिक्शन तो एंड में आएगी ना, हम ये देख लेंगे नेट फोर्स कहाँ एक्ट कर रही है उसके ऑपोजिट फ्रिक्शन लगा देंगे। हाँ जी, समझ में आ रहा है यहाँ तक, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर ये लो, आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन का आना चाहिए, ओमेगा मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कैपिटल एम प्लस म्यू इंटू स्मॉल एम इंटू जी बाय एम इंटू कितना आर, ये ओमेगा मैक्स आएगा।
वेट क्वेश्चन में ये टेबल है और ये मास है, एक मास स्प्रिंग नीचे जा रही है, तो अगर तेज घुमाएगा सेंट्रीफ्यूगल ज्यादा है तो मूव करना शुरू कर देगा, तो इतनी तेज घुमाओ कि अपनी जगह से हिले ना। मिनिमम स्पीड निकालो कि वो हिले ना, नहीं आएगी फ्रिक्शन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी लेफ्ट एंड राइट, याद कर वही केस, टेंडेंसी चेंज होती है उसकी, बॉब मूव करेगा मतलब स्लाइड नहीं करेगा पीछे की तरफ सेंट्रीफ्यूगल की वजह से, मूव करने दो, इक्विलिब्रियम की कंडीशन बनानी है बेसिकली। मतलब स्ट्रिंग है बस, एक एम मास से नीचे एम तक स्ट्रिंग है, डायग्राम बना देता हूं, ये देखो देखो इसके अंदर ये एक टेबल है, इसका मास कितना है स्मॉल एम है और ये कितना है कैपिटल एम है, बाकी अरेंजमेंट किसी काम का नहीं हमारे, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू नहीं, तो मेरे ख्याल से ये इसके अबाउट जो है ये रोटेट कर रहा है कुछ इस तरीके से, इसका वेट नीचे की तरफ कैपिटल एम जी है और यहाँ पर टेंशन टी है, यहाँ पर टेंशन टी है कुछ ऐसे टी एन टी, एंड कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है इसमें, इक्विलिब्रियम में मूव नहीं करेगा, सबसे पहले ओमेगा मैक्स निकाल लेते हैं। अब मेरे को पता है कि जब स्मॉल एम, एम इसका रेडियस कितना है आर, एम आर ओमेगा मैक्स स्क्वायर अगर हम लेंगे, टेंशन इस तरफ है तो इसकी टेंडेंसी इधर जाने की होगी लेकिन हमने इसको भेजना नहीं है, तो फ्रिक्शन कहां करेगी टुवर्ड्स लेफ्ट, तो एक इक्वेशन तो इक्विलिब्रियम में इसकी बन जाएगी टी इज इक्वल टू बड़ा एम जी, और एक इक्वेशन टी प्लस स्मॉल एफ इज इक्वल टू स्मॉल एम आर ओमेगा मैक्स का स्क्वायर, तो यहां से टी की जगह पुट कर देते हैं कैपिटल एम जी प्लस म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू एम आर ओमेगा मैक्स का स्क्वायर, ठीक, और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू यहां पर क्या होगी म्यू टाइम इज इक्वल टू स्मॉल एम जी, जो नॉर्मल रिएक्शन है वो स्मॉल एम जी एम आर ओमेगा मैक्स का स्क्वायर, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन है पर स्मॉल एम जी, तो यहां से ओमेगा मैक्स आ जाएगा, बाकी यह है पॉइंट समझ में आ रहे हैं। और अगर ओमेगा मिनिमम निकालना है तो इसकी टेंडेंसी अब सेंटर की तरफ जाने की होगी क्योंकि बड़ा मास उसको हो सकता है नीचे की तरफ खींच ले, तो फ्रिक्शन कनेक्ट करेगी पीछे की तरफ, तो सेकेंड केस में जो फ्रिक्शन है वो पीछे एक्ट करेगी बी पार्ट में, तो टी तो कैपिटल एम जी के इक्वल है ही है लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा टी इज इक्वल टू स्मॉल एफ प्लस स्मॉल एम इंटू आर इंटू ओमेगा मिनिमम का स्क्वायर, यहां पर मिनिमम हो जाएगा, तो टी की वैल्यू पुट करके यहां से ओमेगा मिनिमम कैन बी कैलकुलेटेड। पॉइंट समझ में आ रहा है कि ओमेगा मैक्स ओमेगा मिनिमम कैसे निकलेगा, इसकी अगर ये स्लो मूव करेगा तो ये कैपिटल एम जी नीचे आने की कोशिश करेगा और ये लेफ्ट जाएगा तो फ्रिक्शन लेफ्ट हो जाएगी, पर हमने जाने नहीं देना रेस्ट पे है तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन लग जाएगी इसमें, जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसका आंसर इज ओमेगा अंडर रूट ऑफ म्यू एस जी 3 एम ए एम बी बाय आर एम बी एम ए का अंडर रूट, ये आंसर आएगा।
नॉर्मल क्वेश्चन तुम करते ही आए हैं ऐसे फोर्स लगा के मूव कर, इसमें पूरा का पूरा अरेंजमेंट ही सर्कल में मूव कर रहा है। मान लो ये टेबल है, ये टेबल ही सर्कल के क्रॉस मूव करता जा रहा है इसमें, ठीक। तो इसके अंदर अगर ये सर्कल की तरफ मूव कर रहा है और ये जो रेडियस है ये आर है, आर रेडियस है सच दैट जब ये मूव करेगा तो इसकी तरफ सेंट्रीफ्यूगल लगेगी एम आर ओमेगा का स्क्वायर इस तरफ, और इस पर भी तो लगेगी, इसके ऊपर जो ए ब्लॉक है इसके ऊपर भी लेफ्ट की तरफ लगेगी सेंट्रीफ्यूगल, तो दोनों की तरफ इस तरफ लगेगी क्योंकि टेबल के पास सेंट्रीपिटल है। तो इसकी फोर्स क्या लगेगी, एम ए इंटू आर इंटू ओमेगा का स्क्वायर, क्योंकि कॉन्स्टेंट ओमेगा से पूरा सिस्टम मूव कर रहा है, और टेंशन कितनी होगी इसमें, टी एन टी टेंशन हो गई, ठीक। और इसमें फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन भी लेंगे, और फ्रिक्शन के अंदर क्या करेंगे कि ये ब्लॉक अगर इधर आने की कोशिश कर रहा है, इधर जाने की कोशिश कर रहा है, और इस क्वेश्चन में ऐसा वैसे कुछ गिवन नहीं है कि कौन कहाँ जाएगा, हो सकता है ए की फोर्स बड़ी हो और बी की छोटी हो, मैं कह नहीं सकता, तो कोई एक अजम्पशन लेते हैं कि बी की जो फोर्स है इसमें मासेस भी गिवन नहीं है, अगर मास गिवन होता है एम बी इज ग्रेटर देन एम ए, बस डायग्राम से लग रहा है एम बी ग्रेटर देन एम ए, बट कह नहीं सकते इसकी शेप देख के, तो कोई भी एक केस एज्यूम करना पड़ेगा कि लेट अस सपोज एम बी ग्रेटर देन एम ए, तो अगर ये इधर आ रहा है तो इसकी फ्रिक्शन कहाँ ऐड करेगी, पीछे ऐड करेगी, और जब ये इधर जा रहा है तो इसकी फ्रिक्शन कहाँ ऐड करेगी, इस तरफ ऐड करेगी, ठीक है यहाँ तक। तो इसमें फ्रिक्शन अगर ऊपर ऐड करेगी बाय एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट F2 F2 हो जाएगा, इसमें ब्लॉक्स के अंदर फ्रिक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट होती है तो F2 F2। इंडिविजुअल ले रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल्स अलग अलग, फ्रिक्शन में लेते हैं वो तो नॉर्मल रिएक्शन में। तो इसमें अगर ए ब्लॉक है, ए ब्लॉक के इस तरफ फोर्स है एम ए इंटू आर इंटू ओमेगा का स्क्वायर, इस तरफ टी, और ए ब्लॉक क्योंकि इसकी मोशन इस तरफ है तो इसकी फ्रिक्शन यहां लेंगे जिसकी वैल्यू म्यू टाइम्स एम ऑफ ए इंटू जी होगी, क्योंकि यहां पर नॉर्मल रिएक्शन एम ऑफ ए इंटू जी होगा, और वो कह रहे हैं कि ये सिस्टम जो है जस्ट बिगिन टू स्लाइड है, जस्ट बिगिन में क्या करते हैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाते हैं लिमिटिंग लेफ्ट और राइट की फोर्स शुड बी इक्वल, तो टी मस्ट बी इक्वल टू एम ए आर ओमेगा का स्क्वायर प्लस म्यू स्टैटिक इनटू एम ए इनटू कितना जी, इक्वेशन नंबर वन। और जो बी ब्लॉक है उसकी इक्वेशन ऐसी बनेगी, इस तरफ एम बी इनटू आर इनटू ओमेगा का स्क्वायर, इस तरफ एफ टू की वैल्यू इज म्यू एस इनटू एम ऑफ ए इनटू जी, और नीचे जो फ्रिक्शन ऐड करेगी म्यू एस इंटू एम ऑफ ए प्लस एम ऑफ बी इंटू कितना जी, ये भी इक्विलिब्रियम में, और टेंशन कितनी है टी, तो एम ऑफ बी इंटू आर इंटू ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एम ऑफ ए इंटू जी प्लस टी प्लस म्यू एस इंटू एम ऑफ ए प्लस एम ऑफ बी इंटू कितना जी, दिस इज योर इक्वेशन नंबर टू। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो, ओमेगा आ जाएगा, ठीक है यहां तक। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, एक बार जरा करना सॉल्व।
देखो क्वेश्चन है, एक टेबल घूम रहा है, ये तो समझ में आ रहा होगा। टेबल के ऊपर एक इंक्लाइन प्लेन है, ये भी समझ में आ रहा है। इंक्लाइन प्लेन के ऊपर ब्लॉक है, ये भी आपको दिख रहा है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं इंक्लाइन प्लेन ऑफ एंगल एल्फा इज फिक्स्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल टर्न टेबल। तो इंक्लाइन प्लेन तो अपनी जगह से हिलने वाला है नहीं, वो तो कर दिया फिक्स, चिपका दिया टेबल के साथ। और उसके बाद अ स्मॉल ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन द इंक्लाइन प्लेन एट अ डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम द एक्सिस, जो कि दिखाई दे रहा है हमें, और इसमें फ्रिक्शन का कोफिशियंट भी हुआ है। टर्न टेबल अलॉन्ग विद द इंक्लाइन प्लेन स्पिन्स अबाउट इट्स एक्सिस विद अ कॉन्स्टेंट मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा। तो आराम आराम से ओमेगा कम से ये मूव कर रहे हैं। फाइंड एक्सप्रेशन फॉर मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा सी टू प्रिवेंट द ब्लॉक फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन द प्लेन। अब प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर जो ब्लॉक है वो हो सकता है वो नीचे की तरफ आ जाए, और मैं ये चाहता हूँ कि टेबल इतनी स्पीड से घूमे कि वो ब्लॉक नीचे ना आए। ज़्यादा तेज़ घुमा दिया तो क्या हो जाएगा, ब्लॉक ऊपर सूडो फोर्स की वजह से ऊपर की तरफ ना चढ़ना स्टार्ट हो जाए। तो अपने को इतनी का मिनिमम ओमेगा दे रहे हैं कि जो ब्लॉक है वो रेस्ट पे ही रहे। तो फोर्सेस ड्रॉ कर रहे हैं ब्लॉक के ऊपर। तो सबसे पहले ये इंक्लाइन प्लेन से शुरू करते हैं, ये आपका इंक्लाइन प्लेन है। इंक्लाइन प्लेन का जो एंगल है वो एल्फा है, इसके ऊपर ये एक ब्लॉक है ऑफ मास एम, नॉर्मल रिएक्शन एन, ब्लॉक का अपना जो वेट है वो एम जी, ये जो वैल्यू है वो एल्फा एल्फा, ठीक। एंड रादर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, क्योंकि हमने इस प्लेन में काम नहीं करना, हमने एक्स एक्सिस में काम करना है और इस प्लेन के अलोंग काम करना है। कैसे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, ऐसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन कुछ इस तरीके से। अब इस केस में मुझे एक चीज पता है, सेंटर कहाँ लाई करता है, इस तरफ जो टेबल है, क्योंकि पूरा अरेंजमेंट टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, और इसका जो डिस्टेंस है वो कितना गिवन है हमें, आर गिवन है। तो यानी कि मेरे को एक फोर्स कहाँ चाहिए, टुवर्ड्स सेंटर, क्योंकि सेंट्रीपिटल में ये मूव करना चाहिए, तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो होनी चाहिए इसमें। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ एक्ट करेगी, टुवर्ड्स सेंटर, इज मूविंग इन अ सर्कल, ये इंक्लाइन प्लेन के साथ ब्लॉक भी सर्कल में मूव कर रहा है, तो ब्लॉक के पास सेंट्रीपिटल होनी चाहिए। या क्वेश्चन उल्टा भी कर सकते हैं, इनिशियल नॉन इनिशियल फ्रेम की बात है कि इंक्लाइन प्लेन को सर्कल में घुमाओ और बोल दो कि ब्लॉक के ऊपर क्या एक्ट कर रही है सूडो फोर्स, एक ही बात है, वो तो आपकी मर्जी है। सेंट्रीफ्यूगल हम बना सकते हैं, दो तरीके हैं, पहला तरीका बताता हूं फिर दूसरा बताता हूं, दो मिनट। फर्स्ट मेथड में जैसे ये एन है और जैसे कि मैंने बताया ये एल्फा था, तो ये भी कितना है एल्फा, तो ये कितना है एन इंटू कॉस ऑफ एल्फा, और इस तरफ n into sin of alpha, ये normal reaction है, sorry, force of friction है, और ये 90 minus alpha है, total angle 90, तो एक force होगी mu into n into cos of 90 minus alpha, और एक force इस तरफ होगी mu into n into sin of 90 minus alpha, force of friction के components आ गया, और एक friction का component इस तरफ आ गया, ठीक, मेरे को इस axis में force चाहिए ना, ये वाली axis में, कर रहा हूं मेथड नंबर टू से कर रहा हूं, दो मिनट। मैंने इसमें ये मान के कर रहा हूं कि ब्लॉक एंड इंक्लाइन प्लेन एक सिस्टम है और दे आर मूविंग इन अ सर्कल, एक तरीका। दूसरा तरीका, इंक्लाइन प्लेन अलग है, उसके ऊपर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ब्लॉक उसके ऊपर है, तो उसके ऊपर क्या लगेगी, सेंट्रीफ्यूगल। दोनों में इक्वेशन एक ही बनेगी, कोई दिक्कत नहीं, मैं दोनों बना के दिखा दूंगा आपको, पहले एक मेथड देख लें। तो फर्स्ट मेथड में मैंने ये माना कि इंक्लाइन प्लेन और ब्लॉक तो एक ही सिस्टम है, चिपके हुए हैं बेसिकली, मेरे को मालूम ही है, और सर्कल में मूव कर रहे हैं दोनों मिलकर। अगर सर्कल में मूव कर रहे हैं तो दिस माइनस दिस कितना, एन साइन एल्फा माइनस म्यू इंटू एन इंटू साइन ऑफ 90 माइनस एल्फा इज इक्वल टू एम आर ओमेगा का स्क्वायर, ठीक ठीक। और जो लोग ये बोलते हैं कि हम तो सूडो फोर्स से करेंगे, ऐसे कर लो, वो आप ऐसे करो, ये दो फोर्सेस ऐसी रखो, फिर आप बोलो कि इसके ऊपर पीछे की तरफ क्या कर रही है सूडो फोर्स, कितनी एम आर ओमेगा का स्क्वायर, फिर क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, एक ही बात है। देखो एन साइन अल्फा इज इक्वल टू म्यू इनटू एन इनटू साइन ऑफ 90 माइनस अल्फा प्लस एम आर ओमेगा का स्क्वायर, तो आगे और एक ही बात है। अच्छा आप नहीं,
ये वाला जो मेथड लगाया मैंने अभी, इसमें मैंने इसको अलग माना, मैंने कहा कि दिस इज मूविंग विद ओमेगा, तो इसके पास है सेंट्रिपिटल, इसके ऊपर है सेंट्रीफ्यूगल, इसकी सेंट्रिपिटल इधर है, सेंट्रीफ्यूगल पीछे है। टेबल नहीं, वेज और ये तो चिपके हुए हैं ना, उसने कहा वो देर उसको तो स्टिक किया हुआ है, चिपका रखा है, तो टेबल का पार्ट ही है ये, तो फिर टेबल हो गया ना, ये टेबल ही हो गया इटसेल्फ। ठीक, पढ़ा नहीं हुआ एकदम, उसको चिपका रखा है, तो टेबल और ये तो एक ही पार्ट है। ठीक हो गया यहाँ तक, तो एक फोर्स आ गई। दूसरी फोर्स वर्टिकल में, वर्टिकल में एन कॉस एल्फा प्लस म्यू एन कॉस ऑफ 90 माइनस एल्फा इज इक्वल टू, नीचे की फोर्स कितनी है एम जी, तो एक काम करो एन इंटू कॉस ऑफ एल्फा प्लस म्यू इंटू एन इंटू साइन ऑफ एल्फा इज इक्वल टू एम जी, एन कॉमन आ गया, कॉस एल्फा प्लस म्यू इंटू साइन एल्फा इज इक्वल टू वेट एम जी, यहाँ से एन निकाल लेना, जो भी एन आएगा वो इस एन में पुट कर लेना, यहाँ से सॉल्व करके फिर ओमेगा निकाल लेना, आंसर आ जाएगा, एन को एलिमिनेट करना है बेसिकली, हो जाएगा। अजीश मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे किया, तो अगर आपको सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल में कंफ्यूजन है कोई भी लगा सकते हो, सेंट्रीपिटल लगाते हो तो नेट फोर्स इज इक्वल टू बड़ी फोर्स टुवर्ड सेंटर माइनस छोटी फोर्स इज एम आर ओमेगा स्क्वायर, सेंट्रीफ्यूगल लगाते हो फिर तो इक्विलिब्रियम बन ही जाएगा, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैंने तो ऐसे किया ना, एन साइन अल्फा माइनस दिस इज एम आर ओमेगा स्क्वायर, मैंने इसको एक सिस्टम लिया, मैंने कहा इसके पास सेंट्रिपिटल है तो बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स टुवर्ड सेंटर, ये सेंटर, पर आप ऐसे कर लो, आप सेंट्रीफ्यूगल ले लो फिर दिस प्लस दिस इज इक्वल टू, सीधी इक्वेशन ये लिख दो, एक ही बात है, मेरे को दो स्टेप लिखने पड़े, आप एक ही स्टेप में कर दो। ठीक, सेकेंड केस में आंसर क्या होगा, वो कह रहे हैं नाउ द ब्लॉक ऑफ सेम मास बट हैविंग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 2 म्यू इज केप्ट इंस्टेड ऑफ ओरिजिनल ब्लॉक, अब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन चेंज कर दिया हमने, फाइंड द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन द ब्लॉक एंड इंक्लाइन नाउ टू द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग इन पार्ट ए, हाँ बिल्कुल ठीक, तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, देखो ये ब्लॉक स्टेशनरी है, ये ब्लॉक तो स्टेशनरी रहेगा ना, इंक्लाइन स्लिप तो नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा स्लिप, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू कितना है एम जी साइन थीटा, तो कम से कम फोर्स एम जी साइन थीटा के इक्वल ही है, उससे ऊपर तो हो भी नहीं सकती, उससे ऊपर करोगे उल्टा वो तो ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा, तो हो नहीं सकता, तो यानी कि अगर मान लो म्यू की जगह 2 म्यू कर भी लेते हो तो लिमिटिंग फ्रिक्शन वाला केस हो जाएगा, लिमिटिंग से कम स्टैटिक फ्रिक्शन, आपको तो स्टैटिक फ्रिक्शन चाहिए होगी बॉडी को रेस्ट पे रखने के लिए, तो आपकी फ्रिक्शन फोर्स में कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि इस केस में भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है एम जी साइन थीटा, और नेक्स्ट केस में भी इट विल रिमेन सेम एम जी साइन थीटा, आप कितनी भी रफनेस बढ़ाते रहो वो रहेगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन पे ही, और स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड, और फोर्स अप्लाइड दोनों केस में इज एम जी साइन थीटा, वो तो पहले भी मूव नहीं कर रहा था, स्लाइड नहीं कर रहा, वो अब भी स्लाइड नहीं कर रहा, तो इट विल रिमेन सेम इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड। ठीक, 1:1 खत्म, फोर्स की रेशियो पूछी तो 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है, सेम होएगा।
कितना ए पार्ट का वी लेस देन अंडर रूट ऑफ जी आर देखो इसको एक बार ट्राई करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है कि मोटरसाइकिल हैज टू मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑन एन ओवर ब्रिज विच इज इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस आर एंड एज अ टोटल लेंथ ऑफ एल। तो ये लो, ये एक आर्क है, इसकी लेंथ एल है और इसका जो रेडियस है ये आर है और ये एंगल कितना है, थीटा है। टॉप मोस्ट पॉइंट पे वी वेलोसिटी से एक बॉडी मूव कर रही है, नॉर्मल रिएक्शन एन है और वेट कितना है इसका, एम जी है। आपको इसमें क्या बताना है ए पार्ट में, सपोज मोटरसाइकिल वाला हाईएस्ट पॉइंट पे है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर विच द कॉन्टैक्ट विद द रोड इज नॉट ब्रोकन एट द हाईएस्ट पॉइंट। अब मुझे पता है इट इज मूविंग इन अ सर्कल और सर्कल का सेंटर टूवर्ड सेंटर है, तो एम जी माइनस एन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई क्या करेंगे आर, और इस केस में नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम जी माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर, नॉर्मल रिएक्शन आ गया। कॉन्टैक्ट लूज करने की क्या कंडीशन है, नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू जीरो, और वो कह रहे हैं कि मुझे कॉन्टैक्ट लूज नहीं करना तो नॉर्मल रिएक्शन शुड बी ग्रेटर देन जीरो। एम जी माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर ग्रेटर देन जीरो, एम कट गया तो जी v square by r, v square less than gr, v less than under root of gr, तो v की वैल्यू less than under root of gr, एक आंसर आ गया। तो उसको अपनी वेलोसिटी इसके कम रखनी पड़ेगी। ठीक, बी पार्ट में जो वेलोसिटी है वो पुराने पार्ट की जो वेलोसिटी है, पुराने पार्ट की वेलोसिटी कितनी है, रूट जी आर, इस रूट जी आर
ये स्मॉल आर चल रहा है, स्मॉल आर ही कर लेते हैं हर जगह। इसके अंदर रूट जी आर डिवाइडेड बाई कितनी करनी है, रूट टू करनी है। और मान लो यहाँ पर ये वो किसी भी इंस्टेंट पर रादर वेट एम जी, ये एंगल थीटा था, ये वर्टिकल की लाइन है, और मान लो इसने यहाँ पर जो एंगल बनाया वो कितना बनाया अल्फा, तो ये भी हो जाएगा अल्फा, तो एक फोर्स हो जाएगी एम जी इंटू साइन ऑफ अल्फा, और एक इस तरफ हो जाएगी एम जी इंटू कॉस ऑफ अल्फा, और एक इस तरफ हो जाएगी नॉर्मल रिएक्शन कितनी एन। तो ये एन हो गया, और ये कितना हो गया एम जी कॉस अल्फा हो गया। बता रहे हैं एंगल, किस एंगल पर कॉन्टैक्ट लूज हो जाएगा, क्यों, इफ द मोटरसाइकिल गोज एट अ स्पीड ऑफ वन बाय, ये स्टेटमेंट ही नहीं है, अच्छा ऐड करो बी पार्ट, इफ द मोटरसाइकिल गोज एट अ स्पीड ऑफ वन बाय रूट टू टाइम्स द मैक्सिमम फाउंड इन पार्ट ए, सुन लो, ए पार्ट में जो भी मैक्सिमम स्पीड थी, स्पीड अगर इसके इक्वल हो जाए तो ये गिवन कर लो, गिवन कर लो, कर लिया गिवन। अगर इस स्पीड से कोई मोटरसाइकिल वाला मूव करता है तो आपको बताना है वेयर विल इट लूज द कॉन्टैक्ट विद द रोड, एंगल बताना है अल्फा, अल्फा कि कहां वो अपना कॉन्टैक्ट रोड से, अब कभी ना कभी तो हवा में आ जाएगा, तो बताना है कि कहां हवा में आएगा, ठीक। तो क्या करेंगे इसमें, इसमें इट इज मूविंग इन अ सर्कल, और मान लो यहां पर जो वेलोसिटी है वो कितनी है, वी डैश है, यहां की वेलोसिटी वी डैश है, उसने बताया वी डैश तो दे ही दिया उसने, और वो चेंज नहीं हो रही, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी है एम जी कॉस अल्फा माइनस नॉर्मल रिएक्शन, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू व्हाट, एम वी डैश स्क्वायर बाय कितना रेडियस आर, या फिर एम जी इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस एन इज इक्वल टू एम बाय आर, वी डैश की जगह जी आर बाय टू हो जाएगा, इसमें होल स्क्वायर की वजह से आर कैंसल, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ जाएगी एम जी कॉस अल्फा माइनस एम जी डिवाइडेड बाय कितना टू, ठीक। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को ये बताना है कि कॉन्टैक्ट कहाँ लूज करेगा, जहां कॉन्टैक्ट लूज करेगा वहां नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा जीरो, तो एम जी कॉस अल्फा माइनस एम जी बाय टू, एम जी कैंसल, तो हाफ इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू कितने डिग्री आ जाएगा 60, तो 60 डिग्री के ऊपर अपना कॉन्टैक्ट वो क्या कर जाएगा, लूज कर जाएगा। ठीक, इसमें सी पार्ट है, अच्छा अगला कोई पार्ट नहीं है, अच्छा ठीक है, तो नेक्स्ट प्लीज एक और लाइन नोट कर लो, व्हाट मैक्सिमम यूनिफॉर्म स्पीड, अच्छा ये है, अच्छा कैन इट मेंटेन, इसने ये बताया होगा तभी लंबा सा आंसर आ रहा है, तो मैक्सिमम स्पीड कितनी मेंटेन वो करे ताकि वो अपना कॉन्टैक्ट कहीं पर भी लूज ना करे, ठीक। नहीं नहीं सी, इसका आंसर कुछ और है, वो तो फर्स्ट का था और वो तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे था रूट जी आर, ठीक। अब तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो कर ही नहीं सकते ना, अब तो कह रहा है कि नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू जीरो कर दिया, फिर तो कॉन्टैक्ट लूज करवा दिया, और वो कह रहा है कि मुझे कॉन्टैक्ट लूज नहीं करवाना, तो मेरे को एक चीज पता है कि अगर कॉन्टैक्ट लूज नहीं करवाना और टॉप मोस्ट पॉइंट से अगर मान लो ये चलता है, ये रहा ये टॉप मोस्ट पॉइंट है, तो ये आधा आधा एंगल क्या हो जाएगा थीटा बाय टू एंड थीटा बाय टू, तो ये एंगल था कितना अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू थीटा बाय टू कर ले, अल्फा का मतलब ध्यान से देख लो, अल्फा का मतलब वर्टिकल लाइन के साथ एंगल होता है, तो जब ये ब्लॉक यहां से यहां से यहां से यहां से यहां आएगा कॉर्नर पे, तो अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा थीटा बाय टू के इक्वल, उसके बाद तो उसको हवा में आना ही पड़ेगा, तो क्रिटिकल एंगल है कि लास्ट वैल्यू ऑफ एंगल, बस समझो इसके बाद तो हवा में आई क्या, आर की खत्म हो गया, अब तो हवा में ही आना पड़ेगा और कहाँ जाएगा, ठीक। और ये मुझे पता है थीटा इज इक्वल टू एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस,
तो यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी है, थीटा बाय टू, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, एल डिवाइडेड बाय टू आर। तो ये क्रिटिकल एंगल है, बस इसके ऊपर, इसके बाद तो वो आ ही जाएगा जो है हवा में, ठीक, इससे पहले तो नहीं आएगा। तो इससे पहले की कंडीशन वही सेम बनेगी, मतलब वही सेम डायग्राम मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ इसके साथ, सेम इक्वेशन, क्या इक्वेशन, यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, एम जी कॉस अल्फा माइनस नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू एम वी डबल डैश स्क्वायर बाय आर। मान लो इस पूरी जर्नी में वेलोसिटी कितनी रखनी है, वी डबल डैश, जो कि मुझे इस क्वेश्चन में निकालनी है। मेरे को क्या निकालना है कि वी डबल डैश नई वेलोसिटी क्या हो कि अपना कॉन्टैक्ट वो लूज ना करे। इक्वेशन तो वही रहेगी ना किसी पार्ट ऑफ जर्नी में जो हमने बी पार्ट में ली, बस फर्क ये है कि हम अपने क्वेश्चन में जो एंगल पुट करने वाले हैं, एंगल अल्फा, वो क्या पुट करने वाले हैं, कॉस ऑफ अल्फा की जगह वैल्यू पुट कर देंगे कितनी, एल डिवाइडेड बाय कितनी, टू आर, क्रिटिकल कंडीशन है ये, इज इक्वल टू एम वी डबल डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना आर। ठीक, तो यहां, और ये नॉर्मल रिएक्शन कब आया, सुन लो, ये नॉर्मल रिएक्शन आएगा बिल्कुल कोने में जो यहां पे, सी पार्ट पे नॉर्मल रिएक्शन कहां पर आ रहा है, बिल्कुल एंड में जाके, बस इसके बाद तो समझो नॉर्मल रिएक्शन ऑटोमेटिकली जीरो हो ही जाना है। पर इस यहां तक तो नहीं हुआ जब एंगल इसके इक्वल चल रहा है, तो जब एंगल इसके इक्वल है तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू सॉल्व करके आएगी एम जी कॉस ऑफ एल बाय टू आर माइनस एम वी डबल डैश स्क्वायर बाय आर। अब मेरे को ये पता है कि नॉर्मल रिएक्शन शुड बी ग्रेटर देन जीरो ताकि ये कॉन्टैक्ट लूज ना करे, इसका मतलब एम जी कॉस ऑफ एल डिवाइडेड बाय टू आर माइनस एम वी डबल डैश स्क्वायर बाय आर शुड बी ग्रेटर देन जीरो। ये रहा, एम से एम कैंसल, तो यहां से क्या आ जाएगा, जी इंटू कॉस ऑफ एल डिवाइडेड बाय टू आर लेस देन वी डबल डैश स्क्वायर बाय आर। तो यहां से वी डबल डैश की जो वैल्यू आएगी वो आएगी लेस देन अंडर रूट में आर इंटू जी इंटू कॉस ऑफ एल डिवाइडेड बाय कितना, टू आर। तो आपकी वेलोसिटी इससे कम होनी चाहिए ताकि वो अपना कॉन्टैक्ट लूज ना करे। नेक्स्ट, थक गया, ये तो फोर जैसा ही है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालनी है, राइट, इसको करने की जरूरत नहीं है। उससे नेक्स्ट ये वो वाला है, हैंड बना हुआ है जिसपे, नहीं किधर है, कौन सा है, विद द टू हैंड्स, इसका डायग्राम नहीं बना हुआ है हैंड्स वाले का, अभी तो मैंने पेस्ट किया, चलो देखो डायग्राम ड्रॉ कर लो प्लीज़, उसके बाद फिर इस क्वेश्चन को देखो। देखो इसमें ये कोन है, ये डायग्राम है, इसकी साइड 10 सेंटीमीटर है, हाइट 12 सेंटीमीटर है, और ये हैंड है,
कि उसका हाथ है यार ऐसे पकड़ा, नहीं डायग्राम अच्छा नहीं बना, तो इसका हाथ है, उसने किसी ने अपने हाथों को एक यहाँ पे और ऐसी एक यहाँ पे कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, हाथों को ऐसे पकड़ के रखा हुआ है, ऐसे कोन को ऐसे तो दबा के रखा हुआ है। सो वो कह रहे हैं कि विथ टू हैंड्स यू होल्ड अ कोन मोशनलेस अपसाइड डाउन, मास ऑफ द कोन गिवन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन, व्हाट इज द मिनिमम नॉर्मल फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड विद ईच हैंड इन ऑर्डर टू होल्ड अप द कोन, हवा में पकड़ के रखना है कोन को, फ्रिक्शन नहीं होगी ना, कोन आपके हाथ से स्लिप हो जाएगा, फ्रिक्शन बचाएगी, ठीक, फ्रिक्शन बचाएगी। इसका वेट mg, वेट इसका mg, और लेट अस सपोज दिस इज थीटा, थीटा एंड इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है उसके उसमें हाथों को यहाँ रखा हुआ है, नॉर्मल रिएक्शन n, नॉर्मल रिएक्शन n एंड दिस इज थीटा एंड थीटा, ठीक, दिस इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर दिस इज अगेन थीटा एंड दिस इज 90 माइनस थीटा एंड 90 माइनस थीटा अगेन, सच दैट दिस इज 90 माइनस थीटा एंड 90 माइनस थीटा एंड एन एंड एन, 2n cos थीटा और 2f cos ऑफ 90 माइनस थीटा। देखो वो इस केस में सबसे पहली चीज ये कि उसने अपने हाथों से दबा के रखा हुआ है, दबाया हुआ है, तो नॉर्मल रिएक्शन तो परपेंडिकुलर ही होगा ऑब्वियसली, और फ्रिक्शन कैसी होगी, स्लिप कर रहा है तो सरफेस के साथ ही होगी फ्रिक्शन, हवा में तो होगी नहीं, तो उसके हाथों से अगर स्लिप करेगी, उसके हाथ स्लिप कर रहे हैं तो फ्रिक्शन है सरफेस के साथ साथ जाएगी, जो भी जाएगी नॉर्मल रिएक्शन एन एंड एन आएगा इसमें, इसमें वेट एम जी एड करेगा, नॉर्मल रिएक्शन के कॉम्पोनेंट्स एड करेंगे और इसके में इसके अंदर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऊपर की तरफ एड करेगी, और इक्विलिब्रियम के लिए 2f cos ऑफ 90 माइनस थीटा मस्ट बी इक्वल टू एम जी प्लस 2n इंटू क्या हो जाएगा cos ऑफ थीटा, तो 2 इंटू म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन इंटू साइन ऑफ थीटा इज एम जी प्लस 2 इंटू एन इंटू क्या हो जाएगा cos ऑफ थीटा। तो ये ट्राइंगल आप ड्रॉ कर लेना यहाँ से कुछ ऐसे, सच दैट इसके अंदर ये जो एंगल है ये कितना लिया हुआ है हमने 90 माइनस थीटा, ये डायमेंशन 5 सेंटीमीटर की है, ये 12 सेंटीमीटर की है, तो ये 13 सेंटीमीटर की है, यहाँ से आप साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कैलकुलेट कर लो, 5 डिवाइडेड बाई 13 आ जाएगा, यानी कि कॉस थीटा 5 बाई 13 आ जाएगा, ऐसी साइन थीटा की वैल्यू 12 डिवाइडेड बाय 13 आ जाएगी, कॉस थीटा साइन थीटा को वहां पुट कर लेना, नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा। तो कुछ इस फॉर्म में क्वेश्चन सॉल्व होगा।